जिला से, मध्य प्रदेश में एक निमाड़ है घाटी, नर्मदा घाटी, जिसमें सरदार सरोवर बांध से खेती बाड़ी सारी डूब प्रभावित है। उसी सरदार सरोवर के डूब प्रभावित लोग भी है और किसान लोग भी है हम। सरदार सरोवर डैम से जो हमारी खेती मकान घर डूबने जा रहा, उससे मुआवजा तो मतलब एक रुपए में 25 पैसे मिला। हमारी प्रॉपर्टी बनता है 1 रुपया, लेकिन हमें 25 पैसा मुआवजा दिया गया है। और कुछ भाइयों को तो यूँ भी छोड़ दिया, कुछ बहनों को भी छोड़ दिया, घर प्लाट नहीं मिला उन्हें, वयस्क पुत्र की पात्रता नहीं दी गई। सरकार लूट कर रही है, लूट मार। Tamil Nadu like everywhere is a worst condition. Whether in past 2 years there is no rain, 140 years of drought, so much drought we have never seen. This is the worst time. Before that the worst flood we have seen. That is the paradox. Historically it is a wonderful moment we have picked up, and including left movement, and we are having red flags organization, blue flags organization, green flag organization, every organization we have brought inside. That is the beauty of the moment. Definitely we will succeed this time. We will not lose in this fight. ये हमारे मोदी जी हैं, उनका वादा था कि हम 50% दाम ज़्यादा देंगे लागत का, लेकिन अब ये दिखने लगा है किसान को कि पिछले साल से अरहर पर हमें 16% कम दाम मिल रहा है, बाजरे पर 6% दाम कम मिल रहा है, मक्का पर 18% दाम कर रहा है, जो NTTV ने परसों अपनी स्क्रीन पर दिखाया भी था। तो ऐसे दोगुनी होगी या आधी होगी, तो ये सवाल आज किसान के सामने है। अब इसका हल आज तक ईमानदारी से नहीं ढूंढा गया। हमारी ज़मीन 2007 में यमुना प्राधिकरण ने अक्वायरमेंट की थी, जिसका हमको 64% आज तक नहीं मिला है, और अब ज़मीन और भी अक्वायरमेंट की है, उसका भी हमको मुआवजा नहीं मिला है। अथॉरिटी के हम चक्कर काटते हैं, लोग हमसे कमीशन मांगते हैं, 2% या 5% की बात करते हैं। तो हम गवर्नमेंट से अपनी बात पहुंचाना चाहते हैं कि हमारी ज़मीन जो अधिग्रहण की गई है, क्या उसमें इन अधिकारियों की दलाली रखी गई है, इसको साफ साफ किया जाए। हम दलाली देना चाहते नहीं हैं, वो लोग हमसे परसेंटेज मांगते हैं। मैं मोदी जी से यह आपके माध्यम से पूछना चाहता हूँ, क्या मोदी जी 20 मार्च 2014 को आपने हमारे गांव में यवतमाल जिले में दाबड़ी में आके हमसे जो आपने वादा किया था, क्या वो वादा झूठ था? क्या आपके आपके ऊपर हमने भरोसा करके क्या कोई गलती की? ये पूछने के लिए, ये जवाब दो आंदोलन के लिए हम लोग दिल्ली, महाराष्ट्र से दिल्ली आए। तो यही खातिर हमने के आयल मानी सा जे बाढ़ में हमने के दहात रहनी हो सा आ कौनो हमनी के सरकार ना सुविधा दनी, घर दुआ दहा गल देना, एगो पैसा मिलल ना कुछ, ना हमें कुछ भी नहीं के मिलल। फसल में जो लागत लगता है, बीज का कीमत, खाद का कीमत, कीटनाशक दवाई का कीमत, ये सब में दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी हो रही है, और साथ साथ जुताई जो है उसमें भी जो गरीब किसान है वो धनी किसान के ऊपर निर्भर करते हैं, और उसमें उनको अधिक पैसा लग रहा है। सिंचाई, जो सिंचाई का प्रबंध जो पहले था वो भी आज डिजॉल्व हो चुका है। वो समझिए कि सरकारी नलकूप है लेकिन कहीं चैनल नहीं है, पानी का पटवन नहीं हो रहा है, तो इस सब कारण से जो लागत लगती है वो रिकवरी नहीं हो रही है। हम जब इन राज्य एवं केंद्र सरकार से ये बात ये पूछते हैं कि आपने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य सरकारी रेट घोषित आपने की है, उससे ये जो कम पे जो खरीदी हो रही है ये एक अपराध है, क्योंकि जो रेट अंकित है, चाहे वो काजल की डिबिया हो या वो वृक्ष की डिबिया हो, उसकी भी जो रेट अंकित है, जैसे 3.95 रुपये, तो हमारी जेब से 5 पैसे और ज़्यादा दुकानदार 4 रुपये लेता है, लेकिन हमारी सरसों की रेट 4050 रुपये केंद्र सरकार में बैठे मोदी जी ने घोषित कर दी, और सरसों हमारी 3200-3300 रुपये की बिक रही है। बाजरा की रेट 1425 रुपये की घोषित है, और बाजरा हमारा 850-900 रुपये में अनाज मंडियों में बिक रहा है। हमारे मध्य प्रदेश के जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहाँ भी है और 15 साल से बैठी है, हम लोगों के ऊपर इतना आज तक बराबर इतना बढ़ता हुआ जुल्म उनका चला जा रहा है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य की मांग हम करते हैं तो हमारी आवाज़ को दबाया जाता है।